हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल में। फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में कुछ दिन पहले मैं जो शिव जी की मूर्ति लेकर आई थी और उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था कि मूर्ति मैंने स्थापित की है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूज़ हो तो आपको पता होगा कि वो मूर्ति खंडित हो गई थी और उस खंडित मूर्ति की वजह से फ्रेंड्स मुझे बहुत ही नुकसान हुआ है और मेरे को काफ़ी हार्म उठाना पड़ा है। और किस तरह का हार्म हुआ है मेरे गार्डन को, स्पेशली इनसे इनका कह लीजिए कि माली छिन गया और मुझे इनसे दूर होना पड़ा और कह लीजिए कि मेरा जो गार्डन है वो भी खंडित हो गया। कुछ मेरे प्लांट्स इस गार्डन में रह गए, कुछ अलग हो गए। तो कुछ बातें हैं जो मैं सभी आपको क्लियर नहीं बता सकती, लेकिन काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा मुझे कि खंडित मूर्ति की वजह से। तो आप सभी से यही निवेदन है कि अगर आपके पास भी किसी भी तरह की कोई खंडित मूर्ति है तो उसे अपने घर में गार्डन में ना रखिए, क्योंकि इसका काफ़ी नुकसान होता है। मेरे को तो काफ़ी नुकसान हुआ उसका, और उसे अपने घर में ना रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। और आज मैं बात करने वाली हूँ ब्यूटीफुल एडेनियम के बारे में। ये देखिए मेरा एडेनियम का प्लांट, देखिए कितना ब्यूटीफुल है और कितनी अच्छी इसकी ब्रांचेस देखिए राइज हुई हैं, काफ़ी बुशी बनी जा रहा है। एक्चुअली इसकी मैंने प्रूनिंग की थी फ्रेंड्स, और प्रूनिंग की वजह से यहाँ से न्यू ब्रांचेस जो देखिए राइज हुई हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है और बरसात के दिनों में काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। और फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं किसी भी प्लांट को, अडेरी में हो चाहे कोई और प्लांट हो, बुशी बनाना चाहते हो तो उसकी प्रूनिंग करते रहें टाइम टू टाइम, और जैसा शेप आप चाहें आप प्लांट को दे सकते हो। और फ्रेंड्स, मैंने जो इसकी कटिंग की थी तो उससे मैंने न्यू प्लांट बना लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा डॉगी आ गया, ये भी आ गया। जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो ये ज़रूर आ जाता है। ये देखिए अभी डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। प्रूनी पीछे हो जा, अभी मुझे वीडियो बनाने दे। अरे बच, पीछे हो जा अभी, ये देखो अभी हट नहीं रहा। प्रूनी चलो पीछे हो जा बेटा। तो फ्रेंड्स सॉरी, आप डिस्टर्बेंस होगी इस डॉगी की वजह से। ये देखिए क्या कर रहा है, देखिए ये भी मेरे साथ यहाँ पे आ गया। तो फ्रेंड्स, बात कर रहे थे हम प्रूनिंग की। अरे भाई बनाने दे वीडियो मेरे को, डिस्टर्ब मत कर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इसकी कटिंग मैंने यहाँ पे लगाई थी और यहाँ पे बहुत अच्छी कटिंग ग्रो हो रही है इसकी। ये प्रूनिंग के दौरान जो कटिंग थी वो मैंने यहाँ पे लगाई, देखिए ये भी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रही है। और फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा न्यू जो एडेनियम का प्लांट था, इसका भी जो ये देखिए कॉडेक्स अभी मोटा हो रहा है, तो ये भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था जब मैं न्यू लेकर आई थी, तो ये छोटा था और इसकी रिपोर्टिंग की थी। और रिपोर्टिंग करने के बाद काफ़ी हेल्दी ग्रो कर रहा है फ्रेंड्स। पहले स्टार्टिंग में इसका जो कॉडेक्स है वो श्रिंक हो गया था जब मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी, ये शॉक में चला गया था प्लांट। लेकिन उसके बाद फिर मैंने इसे फंजीसाइड के साथ इसे स्टरलाइज किया और उसके बाद फिर से ये हरा भरा हो गया। देखिए कितने अच्छे इसके लीव्स हैं और कॉर्डेक्स भी धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, एडेनियम बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। और देखिए अभी यहाँ मैंने वाटरिंग की इस प्लांट में, तो ये पानी रुक गया थोड़ी देर ना, तो ऐसे रुकना नहीं चाहिए क्योंकि एडेनियम स्पेशली इसका जो प्लांटर है वो वाइल्ड ट्रेंड होना चाहिए। और इसमें पानी थोड़ी देर रुकता है फ्रेंड्स, और इसको भी जो इसका ड्रेनेज होल है उसको चेक करना पड़ेगा कि पानी क्यों नहीं ड्रेन आउट हो रहा, तो वो मैं देख लूँगी फ्रेंड्स। वैसे ये काफ़ी हेल्दी है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है फ्रेंड्स। और अगर आपके पास भी ये एडेनियम प्लांट है तो इसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग जरूर करें। और जो प्रूनिंग की कटिंग है ये देखिए वो भी अच्छे से ग्रो हो जाती है, ईजिली आप न्यू प्लांट्स बना सकते हैं एडेनियम के। लेकिन जो न्यू प्लांट्स कटिंग के थ्रू तैयार होते हैं उनके नीचे कॉर्डेक्स नहीं मिलेगा अभी आपको। जैसे ये देखिए, ये सीड से ग्रो किया था और इसके नीचे कॉर्डेक्स है और धीरे धीरे ये बड़ा होता जाएगा। और ये देखिए फाइनली इसकी शेप देखिए कितनी प्यारी है।
लेकिन जो कटिंग के थ्रू हम प्लांट ग्रो करते हैं एडेनियम का, उसका उसके नीचे कॉर्डेक्स नहीं आएगा लेकिन उसके ऊपर ब्लूमिंग जरूर होगी। तो फ्रेंड्स, ये एडेनियम प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें और इसकी कटिंग्स वगैरह आप लगा सकते हो। वैसे बेस्ट है कि अगर आप चाहते हो एक हेल्दी कॉर्डेक्स तो आप इसे सीड के थ्रू ग्रो करें। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये अपना एडेनियम प्लांट दिखाना था, उसकी कटिंग दिखानी थी और ये जो न्यू एडेनियम था उसकी ग्रोथ दिखानी थी। और साथ ही में मैंने आपको बताया कि अगर आपके गार्डन में जहाँ आपके घर में खंडित मूर्तियाँ हैं तो उसे प्लीज़ आप विसर्जित कर दीजिए, चाहे किसी मंदिर में छोड़ आएँ लेकिन अपने घर या गार्डन में ना रखें, क्योंकि मुझे काफ़ी नुकसान हुआ उस वजह से। कुछ बातें मैं वीडियो में नहीं शेयर कर सकती, तो इसलिए दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि खंडित मूर्तियों को अपने घर में ना रखें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। और साथ ही में मैंने आपको ये दिखाया, ये पिटूनिया, पिंक पिटूनिया, ये देखिए खिल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। मैक्सिकन पिटूनिया फ्रेंड्स ये। तो आज भी काफ़ी बादल हैं आसमान के ऊपर, ये देखिए काफ़ी आसमान पे बादल हैं और मौसम काफ़ी सुहावना है, सुहावना मौसम है फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। ओके फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।